भारत रत्न से सम्मानित होंगी 6 शख्सियत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। लाल कृष्ण आडवाणी को किया जाएगा सम्मानित। भारत रत्न से सम्मानित होंगी 6 शख्सियत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। लाल कृष्ण आडवाणी को किया जाएगा सम्मानित। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का होगा सम्मान। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का भी सम्मान किया जाएगा। भारत रत्न को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं और वो नाम, हालांकि इसको लेकर जब ये नाम सामने आए थे तो विपक्ष ने कई तरह के सवाल भी उठाए थे। और इस बीच आपको बड़ी खबर हम दे रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में कल सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा। वहीं पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, वो लिस्ट, वो नाम जिनको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की थी और कई नाम इस बार सामने आए थे। और इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी कमलेश। जिस तरह से भारत रत्न की अगर बात की जाए तो इसको लेकर भी सियासत हुई थी और इस बीच वो शख्सियत, वो नाम जिनको लेकर इस बार लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे चेहरे थे जिनकी, कई ऐसे, जिस तरह से हरित क्रांति की बात की जाए या फिर चौधरी चरण सिंह की बात की जाए, तो इन नामों को लेकर सियासत भी बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि चुनावी साल है। क्या कुछ खास रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि पहले ही गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि इस बार 6 डिग्निटीज को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अमूमन ऐसा नहीं होता है, अमूमन 3 से ज्यादा भारत रत्न की लोगों को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी जाती, लेकिन इस बार 6 लोगों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना है, जो शनिवार को 11 बजे दिन में दरबार हॉल में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। निश्चित रूप से उसमें 6 बड़े नाम है, खासकर लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व उप प्रधानमंत्री है, उसके अलावा एक फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर का भी, फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर का नाम है जो बिहार के बड़े नेता माने जाते थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, जिनका आपने हाल ही में नाम सुना था, जिनके बेटे अजीत सिंह थे और जिनके पौत्र अभी भी भाजपा में एनडीए में शामिल हुए हैं, तीन नामों के अलावा एमएस स्वामीनाथन का भी नाम था। तो ये शनिवार की सुबह 11 बजे राष्ट्रपति इन सभी 6 डिग्निटीज को सम्मानित करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री मौजूद होंगे और सम्मानित करीब 200 अतिथियों को बुलाया गया, जब भी इन 6 लोगों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित करेंगे। और खास बात ये भी है कि जब कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया जाएगा तो उस समय कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो जेडीयू के एमपी है राज्यसभा के, उनको भी, रामनाथ ठाकुर, उनको ही बुलाया गया। और विशेष रूप से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इस समारोह में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। जी बेशक कमलेश, हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से। कमलेश, जब ये नामों का जिक्र हुआ था तो इसको राजनीति से भी जोड़ा गया था क्योंकि एक और किसान आंदोलन 2.0 की झलक देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बिहार को भी साधने की कोशिश की गई थी। राम मंदिर के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी सामने आया था, तो सभी समीकरणों को देख कर ये नामों की घोषणा की गई है। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे। जयंत चौधरी एक बड़ा एग्जाम्पल है, वो बीजेपी में जिस तरह से शामिल हुआ था, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कि जयंत चौधरी, खासकर आदि से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, उसके बाद जयंत चौधरी ने उसके एक दिन के बाद ही एक्स अकाउंट पर लिखा कि अब मैं कैसे मना करूं और एनडीए में शामिल होने की उन्होंने विधिवत घोषणा भी कर दी थी। तो इसे माना जा रहा था कि जो किसान आंदोलन कर रहा, खासकर पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में जहाँ एक रिजेंटमेंट है किसानों में एमएसपी को लेकर के, उसको शांत करने की कोशिश की गई है। वही दूसरी तरफ जब कर्पूरी ठाकुर का नाम आया तो ये कहा गया कि ओबीसी चेहरा, जिसको बीजेपी काफी प्रधानता दे रही है, और आपको याद होगा कि जिस बीजेपी जितनी भी टिकट डिक्लेयर की है अभी तक 304 टिकट, उन 304 टिकटों में ओबीसी जो उम्मीदवार है उनको खास से प्रधानता दी गई, इसलिए ये आरोप लगा कि ओबीसी राजनीति को बढ़ाने के मद्देनजर बीजेपी ने ये टिकट। तो भारत रत्न को लेकर जानकारी सहयोगी कमलेश दे रहे थे। कमलेश, शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।